मैं तो ना जाएंगे वहां पर बजाने ले तुम्हारे। किडनियां बेचने जा रहे हैं हमारे हाथ में आईफोन है क्या? तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। मैं हूं दीपक और आज हम लोग अपनी किडनियां बेचने जा रहे हैं। एक से नहीं चलेगा, दोनों की एक एक बेचनी पड़ेगी क्योंकि हम आए मीडिया मार्केट के बाहर आईफोन 13 देखने के लिए। हाँ। और चल के अंदर जितना गूगल पे रेट पता किया है इंडिया में तो बहुत महंगा है, दोनों किडनी जाएंगे आज। अंदर जाकर देखते हैं कितना है। तो अभी हम लोगों के पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है और हम लोग देखना चाह रहे हैं कि 13 का प्राइसेस क्या है और अगर हमारे बजट में आता है तो हम खरीदेंगे और इंडिया से हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में कितना प्राइस है। तो ज्यादा टेक्निकल नहीं होगा, जस्ट आपको यहाँ के प्राइसेस बताएंगे कि यहाँ क्या प्राइसेस हैं। मीडिया मार्ट के सामने खड़े हैं क्योंकि एप्पल स्टोर जो है वो थोड़ा दूर है, तो हमने सोचा कि मीडिया मार्ट में देखा जाए प्राइसेस क्या है। पर मैं इंडिया के प्राइसेस बता देती हूँ। तो दीपक, इंडिया का प्राइसेस पता है तुम्हें कितना है? आईफोन 13 जो 128 GB है उसका प्राइस है लगभग 1,20,000। मतलब इस बार दोनों किडनी जानी है। और 256 GB जो हम लोग मतलब क्या हो रहा है दुनिया में, सवा लाख के फोन आ रहे हैं। 1,30,000 मतलब मम्मी ने ये वीडियो देख लिया तो मम्मी डंडा लेके पैदल आ जाएंगे वहां पर बजाने ले तुम्हारे 1,25,000 के फोन खरीदोगे तुम। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके और देखते हैं कि यहाँ पर प्राइजेस कितने, कौन सी डील्स है, मैं आपको वो भी बताना चाहती हूँ। प्राइजेस तो आई थिंक सेम ही होंगे शायद, नहीं पता मुझे, पर मैं आपको यहाँ पर कौन सी डील्स होती हैं वो भी दिखाना चाहेंगे। चले चलो फिर। चलो ये है 13 प्रो मैक्स जिसका यहाँ पर प्राइस 1,250 यूरो। ये देखो अभी हम कंपेयर कर रहे हैं, दीपक क्लैरिटी तो है यार। ये वाला जो है ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स, बहुत इतना कितना ब्राइटनेस ऐसे कैसे दिख रही है, हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी क्या? कमी है 12 प्रो मैक्स की और 13 की पोजीशन तो सेम है और ये प्रो 13 प्रो 3900 का 13 प्रो 13 प्रो मैक्स है 1249 यूरो का और प्रो मैक्स है 1149 यूरो का 13 से 899 और आईफोन 13 है 899 यूरो। तो ये देखो 899 यूरो 256 GB 1019 यूरो और 512 GB 1249। कंपेयर कर रहे हैं आप देख सकते हैं, कैमरा ओपन होने में कितना टाइम लगता है वो देखते हैं। हाँ। ये फास्ट है, फास्ट है और ब्राइटनेस भी इसकी बहुत ज्यादा है, फास्ट है बहुत बहुत फास्ट है, मतलब इससे फास्टर है। और ब्राइटनेस कैसे इतनी ज्यादा है, मेरा देखने ब्राइट बहुत कम है क्या? हमने ब्राइटनेस बढ़ा दी है। ओके पर हाँ उस इसकी कलर क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। जो लोग हैं वो उसी में हैं तो अभी हमने सोचा थोड़ी देर हम लोग आईपैड मिनी पे आ गए हैं और आईपैड मिनी देख क्या कर रहा है सुरभि इंडियन गर्ल इन यूरोप लिख रहा है। ये देखो ये ऐसे डिफरेंट 1 TB 1649 2 TB 2000 लगभग।
देख ना तो होगा डिफरेंस देखो वो है अभी वॉच पे फोकस है कैमरा दीपक खरीद लेते हैं चल एक कलर इसमें ऐड हुआ है जो सामने देखो दीपक इसका सेलिंग पॉइंट ही ये है न्यू कलर है क्या हाँ ये न्यू कलर है क्योंकि पहले डार्क ब्लू था अभी ये लाइट ब्लू जो है वो न्यू कलर है €449 की EMI हो गया finish. दीपक जल्दी बताओ यार क्या prices में कितना difference है सस्ता है या महंगा है हाँ एक्चुअली मुझे लगता था यार कि सेम ही प्राइस होगा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों का ना जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना उनका सेम ही प्राइस है इंडिया में और यहाँ पर लेकिन आईफोन का जो हमने देखा ना वो मैं बताती हूँ मैं यहाँ खड़े हुए हैं वीडियो को ख़त्म करने और आपको बताने के लिए कि कितना प्राइस है यहाँ पर और कितना डिफरेंस है तो गाइस इसी के साथ मैं एक और बात बताती हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत टाइम से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि लोग पूछ रहे थे कि आप मनी कैसे ट्रांसफ़र करते हो यूरोप से इंडिया तो मैं रिवायर यूज़ करती हूँ आप भी वो यूज़ कर सकते हो दो फ्री लिंक्स दे रही हूँ ताकि आपका जो ट्रांसफ़र है उसमें कोई भी फीस ना नहीं लगे और इनके रेट्स बहुत अच्छे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो तो इनकेस आपको किसी को आईफोन 13 गिफ्ट देना है डोंट नो तो आप रिवायर यूज़ कर सकते हो मतलब आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो बेस्ट थिंग इज मनी इससे आप ट्रांसफर कर सकते हो रिवायर से फ्रॉम यूरोप टू इंडिया या यूके टू इंडिया और अभी बहुत अच्छे रेट्स चल रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम अगर आपको इंडियन अकाउंट में पैसा भेजना है तो दिस इज़ द राइट टाइम एंड फ्री लिंक्स है तो उसका यूज़ करो और अब अपन चलते हैं और देखते हैं कि प्राइजेज आईफोन के इंडिया में सस्ते हैं या फिर यहाँ पर सस्ते हैं और अगर यहाँ पर सस्ते हैं तो फिर आप यहाँ से लेना अगर इंडिया में सस्ते हैं तो इंडिया से लेना तो चलते हैं हाँ तो अब हम लोग आपको बताते हैं कि कितना डिफरेंस है वेदर इंडिया में आईफोन सस्ता है या फिर यहाँ पर आईफोन सस्ता है तो हमने अभी कंपैरिजन कर लिया है तो दीपक बताओ इंडिया में कितना प्राइस है जो इंडिया में जो हमने सर्च किया है ना गूगल पे उसके हिसाब से है जो 13 प्रो मैक्स है 128 GB का साइज 128 GB का प्राइस है 1,29,000 इंडियन रुपीस में और उसका जो प्राइस है वो यहाँ पर कितना सर भी यहाँ पर जो प्राइस है आईफोन 13 प्रो मैक्स का 128 GB सेम उसका प्राइस है यहाँ पर 1,249 €. तो लगभग अभी के हिसाब से 86 €. हाँ उसके हिसाब से कुछ 1,08,000 रुपीस है हाँ. तो 1,08,000 रुपीस के हिसाब से आप ये मान लो कम से कम नहीं तो 21,000 का अंतर है 21,000 रुपये मतलब अच्छी खासी अमाउंट है तो मतलब मुझे ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना डिफरेंस होगा पर इतना डिफरेंस है तो अगर किसी को इंडिया में आईफोन मंगाना है उनके दोस्त यहाँ पर हैं तो मंगा लो अगर यहाँ घूम रहे आ रहे हो तो यहाँ से ले सकते हो हाँ क्योंकि आईफोन के प्राइजेज यहाँ पर सस्ते हैं हमें भी जब हमने देखा पता चला तब अब हमारा ये है कि हमें अपग्रेड कराना है क्योंकि हमारा भी फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है आईफोन 12 प्रो मैक्स तो देखेंगे अपग्रेड के क्या ऑप्शन है बट मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पर 2 वीक्स की वेटिंग है तो हम लोग मीडिया मार्ट पर गए थे जैसा कि आपको बताया वहाँ पर 2 वीक्स की वेटिंग है और आप उसको EMI ऑप्शन में भी कन्वर्ट करा सकते हो जो 20 मंथ्स की कुछ 70 € की EMI आएगी जो उसने हमें बताया अब आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो अगर आपको करना है तो वैसे तो अगर आप यहाँ रहोगे तो ऑफ कोर्स इतनी ही होगी एक और ऑप्शन होता है दीपक जो आई थिंक थोड़े दिन बाद बहुत सारे वो मोबाइल शॉप्स और ये सब देगी वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन तो वो तो आ जाएगा कुछ दिन में आईफोन 13 पर अभी फिलहाल जो इमीडिएट 2 ऑप्शंस हैं और बुकिंग टाइम कितना बताया उस भी उन्होंने यहाँ पर 2 वीक्स में बोला है 2 वीक्स में अवेलेबल है 2 वीक में मिल जाएगा हाँ 2 वीक्स में मिल जाएगा दिस इज अबाउट आईफोन 13 तो मतलब 2 किडनी
चली गई चली जाएगी अगर हमने सोचा। दीपक से मैं बोल रहे प्लीज मुझे ले दो दिल। ये पता ये इनकी स्ट्रेटजी है लूटने की है। और ये आईफोन जो खरीदता ना उसी को लूटते हैं हर साल नए मॉडल्स निकाल निकाल कर, क्योंकि जो आईफोन ने लेता नहीं एंड्रॉइड वाले वो तो खरीदते नहीं। उसमें मुझे तीन ऑप्शंस बहुत न्यू लगे इसलिए मुझे लेना है। एक तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, वाइड एंगल और वाइड एंगल है, कलर की क्लैरिटी और अच्छी है, और रात में नाइट मोड में बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। ये जो ये ऑप्शंस है ना इसकी वजह से मेरा दिल ऑब्वियसली क्वालिटी हाँ। अच्छी है, लेकिन आईफोन वालों को ना अपना एप्पल वालों को अपना मोटो बदलना चाहिए, उनको रखना चाहिए हम तो अपनों को लूटेंगे नहीं हम तो अपनों को लूटेंगे गैरों का लूटने का दम कहाँ हमें। जो आईफोन खरीद मतलब जो एप्पल वाले बंदे हैं बेचारे उन्हें लूटते रहते हैं, हर साल एक नया निकाल देंगे महंगा करके और उन्हें कीड़ा लग जाता है, बेचारे खरीदते रहते हैं, चलती रहती है दुकान। लेकिन गाइस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन न्यू लगी क्या, पता चला क्या कि यहाँ पर कैसे है प्राइजेस? अगर आप आ रहे हो और सोच रहे हो कि भाई आईफोन यहाँ से लें या वहाँ से, तो प्लीज यहीं से लेना क्योंकि प्राइजेस में डिफरेंस तो है। हाँ, डिफरेंस है। बाकी अगर हम लेंगे तो बता ही देंगे, और अगर दीपक पता चल जाएगा तो ऐसे ऐसे चलेंगे हम कुछ दिन। और गाइस अब हम जाते हैं, गाइस अब हम जाते हैं क्योंकि हमारा सैटरडे ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आज पूरा दिन बहुत बिजी था और दीपक को आईपीएल देखना है, इसके चेहरे से लग ही रहा होगा। एक मैच तो निकल गया दूसरा नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए आप इसी के लिए क्योंकि इतनी मेहनत करी आईपीएल छोड़ा दीपक ने उसके लिए। प्लीज Do not forget to like, share, subscribe. The next comment जो है वो ये आएगा कि दीपक सर की IPL की कौन सी favorite team है? I'm sure कि अच्छा अगर comment आएगा तो मैं बता दूँगा सब कुछ detail में। like, चलो bye bye. Please हाँ like, share and subscribe. बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। देखो कितनी मेहनत कर रही है ये पूरे time set Monday to Friday मेहनत करना, आप दूसरी चीजों में job search करना, ये सब करना, videos edit करना, और Saturday फिर निकल जाना नए वीडियोस बनाने, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो प्लीज यार आप बस एक छोटा सा काम कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय। सॉरी।